2016 में जब मैंने काम शुरू किया था इस पर, उस वक्त इसका नाम था API.AI। ये कुछ यूनिवर्सिटी के लड़के थे, हार्वर्ड वगैरह के गालबन, तो उन्होंने ये बनाया था। बाद में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया था, ख़रीद लिया था, और ख़रीद के इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया था, और इसका नाम उन्होंने रख दिया था डायलोफ्लो, जो कि आज भी इसका नाम है। और इसके इन्होंने फिर ना 2-3 वर्जन अनाउंस किए। अभी जो इसका फाइनल वर्जन है वो V3 इस वक्त चल रहा है मार्केट में। अच्छा, तो हम इसको हटा के ना ज़रा आ जाते हैं हम डायलोफ्लो पर। यार मुझे ना ये जगह ज़रा क्लियर चाहिए, इसको अगर कर पाए ये मुझे। अच्छा भैया, जब तक ये डायलॉग फ्लो ओपन हो रहा है, तो डायलॉग फ्लो जो फ्रेमवर्क है ना, इसके 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे इस रूम के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई भी है, इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक और सीमेंट हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो और उसके ऊपर पेंट हुआ है शायद। तो ये 2-4 चीज़ें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस बेसिकली इस रूम को बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी। तो डायलॉग फ्लो के अंदर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इंटेंट, नंबर 2 एंटिटीज़, और नंबर 3 फुलफिलमेंट। अच्छा, तो एक एक करके तीनों की ज़रा पहले बात करते हैं। अच्छा, और फिर उसको यहाँ पे हम चला के देखते हैं। इंटेंट मतलब इंटेंशन की बात होगी, कि अगर कोई बंदा कोई बात कह रहा है तो असल में उस बात के कहने का इंटेंशन क्या है, तो उसको हम समझने के लिए ना यहाँ पे इंटेंट करके एक चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, तो हम क्या करते हैं ये। अच्छा, जब डायलॉग फ्लो आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये इस जगह पे जाके ना यहाँ पे इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। अच्छा, मेरे पास ये पहले से बहुत सारे चैटबॉट क्योंकि मैं बना चुका हूँ तो ये मेरे पास आ रहे हैं। आपके पास ये नहीं आएगा, आपके पास आएगा डायरेक्ट यहाँ पे, आपके पास ये डायरेक्ट आएगा क्रिएट न्यू एजेंट, इस तरह करके आएगा। ठीक है, सब लोग देख पा रहे हैं पीछे तक। अच्छा, तो ये क्रिएट न्यू एजेंट का बटन मैंने प्रेस कर दिया और ये क्या हुआ, इसने एक फॉर्म खोल दिया। इसने कहा कि जनाब, अच्छा डायलॉग फ्लो के अंदर जो ऐप्स होती हैं या जो चैट बॉट्स होते हैं उसको ये एजेंट कहते हैं। तो कह रहा है अपने चैट बॉट का या अपने एजेंट का कोई नाम रखें, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, क्या नाम रखा जाए चैट बॉट का। अच्छा अच्छा नहीं, पठान नहीं यार, कुछ इसका अच्छा सा नाम रखते हैं हम इसका। इसको हम नाम, हाँ, चैट बॉट डेमो रख देते हैं इसका नाम हम। चलो, एक जेनेरिक सा नाम। ठीक है, चैट बॉट डेमो। अच्छा, ये जो नाम है ये बाय द वे सामने वाले को नहीं दिखता, ये एज अ यूज़र जब कोई इस चैट बॉट को इस्तेमाल करेगा तो उसको ये वाला नाम नहीं दिखता। ठीक है, ये सिर्फ हमें दिखता है एज अ डेवलपर। अच्छा, फिर पूछ रहे हैं कि यार लैंग्वेज कौन सी है। अच्छा, लैंग्वेज हमारे पास ना इस वक्त इंग्लिश हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें उर्दू की भी सपोर्ट आ गई थी कुछ अर्से पहले, लेकिन उन्होंने रिवोक कर दी क्योंकि वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। हिंदी की इसमें सपोर्ट मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल हम जो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर ये टाइम जोन वगैरह और कुछ इस तरह की बातें पूछ रहा है, लेकिन उन चीज़ों को सबको मैं डिफ़ॉल्ट पे छोड़ते हुए क्रिएट का बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये मैं बाद में यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगा, तो ये आपको अवेलेबल रहेगा। तो मशक्क़त से प्लीज़ मोबाइल पकड़ने की मशक्क़त ना करें कोई, है ना, बिला वजह आपका हाथ थक जाएगा। तो ये मैं, ये आपके ये जोखन मैं उठा लूँगा आपके लिए। ठीक है, आप मेरा नाम लिखेंगे जाके YouTube.com पे जाके आप मेरा नाम लिखेंगे इंजमाम मलिक, तो वो आपके पास जो है ना YouTube का चैनल आ जाएगा, जो मैं लास्ट में उसका इंट्रो भी आपको दे के जाऊँगा, ताकि जो है ना कोई अगर मज़ीद लर्निंग करना चाहे तो उसमें कुछ रिसोर्सेज हैं वो मैं आपसे शेयर करके जाऊँगा। छोटी सी चीज़ तो मैं अभी फ़िलहाल सिखा दूँ। अच्छा जी, ये बनने के बाद ना मेरे पास ये आ गया, ये मेरे चैटबॉट का नाम यहाँ लिखा हुआ आ गया, और मेरे चैटबॉट के नाम के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास 2 इंटेंट बने हुए आ गए। 2 इंटेंट ये पहले से बना के देता है। नंबर 1 में लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट। मैं इस इंटेंट के ज़रा अंदर चला जाता हूँ और इसमें देखता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, एक तो है ट्रेनिंग फ्रेजेस। ठीक है, कि क्या बोला जाए तो आप समझो कि ये वाली इंटेंट है। मिसाल के तौर पर
अगर कोई बंदा कहता है कि यार पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाह रहा हूँ मैं, तो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए क्या क्या बातें बोलेगा, मैं उसके ट्रेनिंग फ्रेजेस दूंगा। मैं कहूँगा कि अच्छा कोई कह सकता है आई एम हंग्री, तो उसका मतलब भी ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। कोई अगर ये कह रहा है कि यार गिव मी पिज़्ज़ा, कोई कहेगा कि आई वॉन्ट टू बाई पिज़्ज़ा, कोई कहेगा ऑर्डर पिज़्ज़ा, तो ये सारे ट्रेनिंग फ्रेजेस मैं उसमें लगा दूंगा। अच्छा अभी ये हाय वाला है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बोले ना बंदा हाय हेलो हाय देयर या हे कोई बोले तो ये वाला चले। अच्छा और इसके अंदर एक जवाब है इसका, ये रिस्पॉन्सेज हैं। अच्छा ये एक दो तीन चार इसके अंदर जवाब मौजूद हैं जो कि इन्होंने पहले से बना के मुझे दे दिया, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इन चारों में से रैंडमली वो कोई एक जवाब यूज़र को देगा, ठीक है। अच्छा ये क्यों होता है कि जी अगर कोई बंदा हाय बोलता है ना तो उसको कभी ये वाला बोलेगा कि हाउ आर यू डूइंग, कभी बोलेगा हेलो हाउ कैन यू हेल्प हाउ कैन आई हेल्प, कभी बोलेगा गुड डे व्हाट कैन आई डू यू व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे, है ना, बदल बदल के बोलेगा ताकि ऐसा फील आए कि मैं किसी मशीन से सर नहीं मार रहा हूँ, है ना। होता है ना कि आपको लगता है कि यार ये क्या मशीन है वो हर दफ़ा एक ही बात बोलती है, तो इसलिए ज़रा उसको ह्यूमन लाइक फील हो, उसको अपनाइयत फील हो, इसलिए ये बदल बदल के उसको ये जवाब देता है। अच्छा तो इसको ये सेव का बटन दबाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा मैं, हम एक नया इंटेंट बनाएंगे उसमें चेंजेस करेंगे। और यहाँ पे आप देखें ये ट्राई नाउ का बटन एक आ रहा है, ये ट्राई नाउ के ऊपर ना मैं इस चैटबॉट से बात कर सकता हूँ जो मैंने अभी अभी बनाया है। मैं इससे कहता हूँ अगर हाय तो ये मुझे जवाब में क्या बोलेगा, जवाब में मुझे इन चार बातों में से कोई एक बात ये बताएगा। मैंने हाय लिखा और एंटर का बटन प्रेस कर दिया, तो आप देखें ये इसने बता दिया, जवाब दे दिया, तो ये मेरा चैटबॉट चलना शुरू हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर का ही बनाते हैं, चलो है ना, पिज़्ज़ा की बात चल रही थी। मैं यहाँ पे आया इंटेंट्स में, ये देख रहे हैं आप, मैंने इंटेंट्स पे क्लिक किया आगे, ये दो इंटेंट यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। मैंने कहा क्रिएट अ न्यू इंटेंट, इस इंटेंट का मैंने नाम रखा ऑर्डर पिज़्ज़ा, और इसमें मुझे ट्रेनिंग फ्रेजेस देने पड़ेंगे कि जी बंदा जब ऑर्डर करना चाह रहा हो पिज़्ज़ा तो वो क्या बोलेगा, तो आप उसको समझो कि ये ऑर्डर हो रहा है। हो सकता है बंदा बोले यार आई हैव अ कंप्लेन, तो उसमें फिर ये इंटेंशन नहीं है उसकी, उसकी इंटेंशन फिर कंप्लेन है, उसके लिए मैं एक अलग से इंटेंट बनाऊंगा कि वो अगर बंदा ये बोले तो उसको कैसे जवाब दूँ। अच्छा पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो मैंने ट्रेनिंग फ्रेजेस में आके यहाँ पे बोला ऐड ट्रेनिंग फ्रेज, है ना, पहले तो वो उस इंटेंट में था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें मुझे लिखना पड़ेगा। अच्छा मैंने कहा कि ऑर्डर पिज़्ज़ा, अच्छा ये एक मैंने ऐड कर दिया ऑर्डर पिज़्ज़ा, और बताओ यार क्या बोलेगा बंदा अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करने आया है, बाय पिज़्ज़ा, सही है, गिव मी पिज़्ज़ा, आई नीड पिज़्ज़ा, आई आई वांट पिज़्ज़ा, आई एम हंग्री, गुड इनफ। अच्छा अब ये डायलॉग फ्लो क्लेम क्या करता है, डायलॉग फ्लो ये क्लेम करता है कि अगर आपने चार पांच ट्रेनिंग फ्रेजेस दे दिए हैं तो अब इसके पीछे लगी हुई है एआई, और वो चार पांच ट्रेनिंग फ्रेजेस के बाद ना अगर यही बात बंदा किसी मुख्तलिफ जुमले में कहेगा, है ना, एक ही बात को कहने के कई हज़ार तरीके हो सकते हैं। पिज़्ज़ा चाहिए किसी बंदे को, या मिसाल के तौर पर कोई बंदा पानी मांग रहा है तो पानी मांगने बात तो एक ही है, लेकिन जुमला इसमें कई अलग अलग तरह से बोल सकता है, है ना, तो वो तमाम जुमलों को ये समझ जाता है। एआई लगी हुई है पीछे, इनका क्लेम है कि डीप लर्निंग इस्तेमाल करते हैं बिहाइंड द सीन। अच्छा जी तो ये हो गया ट्रेनिंग फ्रेज, अब होपफुली इससे ये बात तो समझ जाएगा जवाब क्या देना है। रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्सेज में आके मैं कहता हूँ ऐड अ रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, हेयर इज योर पिज़्ज़ा, अभी सिर्फ एक जवाब। तो अब ये देखते हैं कि ये मेरा इंटेंशन समझना शुरू हो गया कि नहीं हो गया। हमने अभी क्या पढ़ा, ये पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है इंटेंट बनाना, वो हमने सीखा है। अच्छा इसको मैं करता हूँ सेव, सेव करने के बाद ये क्या होगा, जैसे ही सेव का बटन दबाऊंगा ना मैं, तो इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, खुद से ट्रेनिंग चलाता है ये। अब उसके हम कंप्लीट होने का वेट करेंगे। अच्छा सेटिंग में जाके मैं देखता हूँ ये ट्रेनिंग खुद से शुरू क्यों नहीं हुई। नहीं, ट्रेनिंग खुद से शुरू नहीं हुई, देख लेते हैं क्या चक्कर है। मैं सेटिंग में जाके ज़रा देखना चाह रहा हूँ। ऑटोमेटिक ट्रेनिंग जो है ना यहाँ से असल में बंद हुई हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, अब शायद ये नए एजेंट में उसको बंद रखते हैं, तो उसको मैं इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, इनेबल करके सेव का बटन भी दबा देता हूँ, और यहाँ से आके मैं ट्रेन भी कर सकता हूँ, जब ऑटोमेटिक बंद होगी तो ज़ाहिर है यहाँ से दबा के कर लूँ। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल इसको यहाँ से मैं प्रेस करके ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ। अच्छा ट्रेनिंग जब चल रही होगी तो ये जो आइकन है ना सेटिंग का,
ये घूम रहा होगा, इससे आपको पता लगेगा कि ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है। इसके कंप्लीट होने का हम वेट करेंगे। जब भी हम अपने चैट बॉट में कोई नई चेंजेस करेंगे तो इसको हम कंप्लीट होने का वेट करेंगे। अच्छा, वापस आते हैं जी इंटेंट्स में हम। ठीक है, अब मेरे पास टोटल तीन इंटेंट हैं। एक इंटेंट अब मैंने लगा दिया, ऑर्डर पिज़्ज़ा। अच्छा, मैंने कहा हाय, दोबारा से बात शुरू की, या मैं डायरेक्ट भी पिज़्ज़ा मांग सकता था लेकिन मैंने हाय कहा। अच्छा, अब इसने जवाब मुझे दिया कि हाय, हाउ आर यू डूइंग। मैंने कहा जी आई एम डूइंग फाइन, गिव मी अ पिज़्ज़ा, हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा। तो ये मेरे इंटेंशन को समझना शुरू हो गया। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसी बात करूँगा जो मैंने लिखा नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई हैव अ कंप्लेन, तो उस पर बोलेगा यार ये इंटेंट मुझे समझ नहीं आया आपका, क्योंकि मैं हमने प्रोग्राम नहीं किया अंदर। अच्छा, मैंने कहा कि यार आई हैव अ कंप्लेन, तो इसने कहा ना कि यार से वन मोर टाइम, कह रहा है यार मुझे समझ नहीं आया, एक दफ़ा ज़रा और बोले आप, है ना। अच्छा, ये क्या है, ये फॉल बैक इंटेंट है। अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो उस केस में क्या जवाब देना है, ये मैं फॉल बैक इंटेंट में बताता हूँ। ठीक है, मैं फॉल बैक इंटेंट में जाता हूँ, तो आप देखें ये वो तमाम रिस्पॉन्सेज हैं कि अगर इसको कोई बात समझ नहीं आई ना, इंटेंशन समझ नहीं आया कि बंदा क्या कहना चाह रहा है, तो इनमें से कोई एक जवाब देगा, है ना। ये से वन मोर टाइम इसके अंदर देखें लिखा हुआ है, और रैंडमली इसमें से कोई एक लाएगा। ये 10-12 इन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, रैंडमली कोई एक लाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटीज़। ये इंटेंशन तो यहाँ पे पूरा हो गया हमारा। अच्छा, हमारे पास इस तरह के अभी एक इंटेंशन, एक और चलो इंटेंशन बना लेते हैं, एक इंटेंशन और बना लेते हैं हम, कंप्लेंट। सही है, कंप्लेन, और इसके ट्रेनिंग फेजेस में लिख देता हूँ कि यार आई हैव अ कंप्लेन। ठीक है, आई वेरी बैड एक्सपीरियंस, EXPERIANCE एक्सपीरियंस, आई एम वेरी बैड विद स्पेलिंग्स, एक्सपीरियंस। थैंक गॉड कि इसमें स्पेल करेक्शन होती है कंप्यूटरों में। अच्छा, वेरी बैड एक्सपीरियंस भी अगर कोई कह रहा है ना, तो इसका मतलब है कि शायद उसकी कोई कंप्लेन है। तो मैंने इस तरह की दो चार बातें यहाँ पे मैं और लिख के, और इसको सेव कर दूंगा मैं, और जवाब में मैं यहाँ पे एक बात चलो लिख देता हूँ कि वी आर सो सॉरी एंड वी हैव नोटेड योर कंप्लेन। अभी मैंने ये बात लिखी, और यहाँ पे आके अगर मैं कहता हूँ कि जी ऑर्डर पिज़्ज़ा, तो अब ये उसको समझ रहा है, ऑर्डर पिज़्ज़ा में कह रहा है हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा। ठीक है, और जब मैं इसको कहता हूँ कि आई हैड बैड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग शायद फिर मैंने गलत लिखी है, लेकिन होपफुली इसको ये समझ जाएगा, नहीं समझेगा। आई हैव अ कंप्लेन। अच्छा, हम इसकी ट्रेनिंग ऑटोमेटिक शुरू हुई थी इस दफ़ा, अगर ट्रेनिंग नहीं शुरू हुई तो फिर ये कुछ भी नहीं समझेगा, इसको पता ही नहीं लगा होगा, इस ट्रेनिंग नहीं हुई इसलिए देखें ये इसको इंटेंट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एक चेंजेस किए हैं इसके अंदर, उसके बाद इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई। आज वो ट्रेनिंग करते हैं इसकी खुद से, हालांकि हो जानी चाहिए थी, सेव का बटन दबाते ही ना खुद से इसकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए थी। इंटेंट सेव्ड और ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट हुई। चलो चलते हैं सेटिंग में जाके इसको दोबारा से ट्रेन करते हैं। सेटिंग में जाके मैंने ट्रेन का बटन दबा दिया दोबारा से। ठीक है जी, अब मैंने ट्रेन का बटन दबाया, ये घूमना शुरू हो गया, इसकी ट्रेनिंग हो रही है। ये वो एआई का प्रोसेस है, मशीन को कोई बात समझाने का प्रोसेस है। अच्छा, कंप्लीट हो गई ट्रेनिंग। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आई हैड बैड एक्सपीरियंस। अच्छा, वेल स्टिल इसको ये बात समझ नहीं आ रही, आई एम नॉट श्योर व्हाई, कोई इसके अंदर गड़बड़ कर दी हमने शायद। वेल, तो ये हमने दो इंटेंट बना लिए, समहाउ वो उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। अब प्रोग्रामिंग में भाई ये तो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक मुश्किल काम है, ठीक है ना। मुश्किल यही होती है कि कभी आप कुछ काम करते हैं वो बिल्कुल आप सही करते हैं, लेकिन वो सामने से रिजल्ट वैसा नहीं हो रहा होता, समटाइम को डॉट कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाती है जिसकी वजह से वो काम नहीं करता। ठीक है, स्पेलिंग नहीं, इसमें मैंने जो ट्रेनिंग फ्रेजेस लिखे हैं, हाँ नहीं, रिस्पॉन्स भी मैंने एड किया है। वेल,
तो ये होता है somehow, जो है ना कभी कभी वो चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं करती जैसे आप आपको लगता है कि वो वर्क करेगी, लेकिन वो उस तरह से वर्क नहीं कर पा रही होती। ठीक है, इसको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि जो है ये कौन से इंटेंशन की बात हो रही है। तो वेल, क्योंकि भाई ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम की दुनिया में पैसे होते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आएंगी आपको। ठीक है, आप मैंने कल जो टेस्ट हो रहा था उसमें एक मिसाल दी थी, वो पान की दुकान वाली। सब लोग यहाँ पे जो जितने लोग बैठे हैं, क्या तमाम लोग टेस्ट में मौजूद थे कल एंट्री टेस्ट जो हुआ है? अच्छा, कोई ऐसा है जो मौजूद नहीं था? हाथ खड़ा करें। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं थे। अच्छा, तो मैं दोबारा बताता हूँ। तो मुश्किल काम के मैं ये बता रहा था कि पैसे होते हैं, आसान काम के कोई पैसे नहीं होते। तो मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, कराची में ना हमारे पास जो छोटी छोटी पान की दुकानें हर गली के कोने पे होती हैं, ये छोटा बिजनेस है वो एक, तो जिसको कोई काम नहीं मिलता वो पान की दुकान पे तो बैठ ही जाता है, काम मिल जाता है उसको पान की दुकान पे ना। तो आप इमेजिन करें कि मैंने पान की दुकान खोली है, अच्छा जी अब मुझे चाहिए उसके लिए एक मुलाज़िम पान की दुकान पर बिठाने के लिए, भाई है ना मुलाज़िम चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर पढ़ाने आ रहा हूँ, मैं थोड़ी बैठ सकता हूँ। तो एक बंदा मैंने रखा, उसकी मैं क्या तनख्वाह रखूँगा? 25,000 पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, उससे कम नहीं दे सकता मैं, 35,000। अच्छा, तो 35,000 मैंने उसकी तनख्वाह लगा दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है उसकी तनख्वाह, बहुत कम तो नहीं है, इस वक्त के हिसाब से कम है। 35,000 इज़ नॉट अ वेरी बिग मनी, है ना, 35,000 में ज़रा मुश्किल है, अगर आपकी फैमिली है तो 35,000 में ज़रा मुश्किल है। तो ठीक हो गया जी, बंदा जो है वो पान लगा रहा है और मेरी दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, छुट्टी भी नहीं करता है कोई, और पान का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है उसके, उसके हाथ में जायका है। और फिर 6 महीने गुजर जाते हैं, अर्निंग भी होना शुरू हो गई है, अब कारोबार चल पड़ा है। अब वो मेरे पास आके कहता है कि सर मेरी आप तनख्वाह बढ़ा दें, इसमें तो कुछ भी नहीं होता 35,000 में, हाँ एक सिफर इसमें और लगा दें अगर वही आपसे, क्योंकि मेरा जो कज़न है वो तो आईटी पढ़ाई की है उसने, वो तो लाख रुपए कमा रहा है, तो आप मैं इतना कम क्यों कमाऊं? मेरी कम से कम आप 1,00,000 नहीं तो 50,000 कर दें आप मेरी तनख्वाह। तो क्या ख्याल है, उसकी 50,000 कर दूंगा मैं? कर देनी चाहिए मुझे, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? सर, कर देनी चाहिए। अच्छा चलो, मैं उसकी तनख्वाह 50,000 तो नहीं 45,000 कर देता हूँ। मैंने कहा 35 थी ना पहले, चलो 10,000 की इंक्रीमेंट आपके लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे कमा के दे रहा है पैसे वो। मैंने कहा चलो आपकी खातिर आपका मैंने ना 50,000 नहीं 45,000 कर देता हूँ, 10,000 आपको इंक्रीमेंट दे दिया मैंने 6 महीने के बाद। चलो जी, खुश हो गया वो। उसके बाद वो दोबारा आया, 2-4 महीने गुजरे, वो दोबारा आया, कह रहा है सर 45,000 में तो कुछ नहीं होता, मेरा कज़न जो 1,00,000 पे लगा था ना आईटी में, अब उसके 1.5 लाख हो गए, तो मेरा भी कुछ करें। तो अब वो कह रहा है कि सर अब ना मेरी आप कम से कम डबल तो कर दें, उसकी 1.5 लाख हो गई है, अब मेरी 1,00,000 होनी चाहिए कम से कम, अब बताओ अब उसकी तनख्वाह में कितनी करूं? अब वो मुझसे 1,00,000 मांग रहा है। और यहाँ पे जहन में आपने ये बात रखनी है कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, ईमानदारी से दुकान रोज़ खोल रहा है वो, उसकी तनख्वाह 2,00,000 होनी चाहिए पान वाले की। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं 2,00,000, इनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, ये भी वैसे बात है, अगर जो अपना बिजनेस जिसने कभी रन नहीं किया होता तो उसको थोड़ा सा शायद अंदाज़ा नहीं हो इस बात का कि वो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अर्निंग प्रॉफिट और उसका भी एक रेशो होता है ना, तो उससे आप कभी भी एक्सीड नहीं कर सकते। तो 2,00,000 इज़ नॉट अ रियलिस्टिक अमाउंट ना, तो इज़ नॉट अ रियलिस्टिक अमाउंट। 75,000। अच्छा, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैंने कहा कि यार चलो आपको 10,000 की इंक्रीमेंट में और देता हूँ, सम हाउ उसको मैंने 10,000 की इंक्रीमेंट में समझा दिया। अब यहाँ पे 1 साल गुजर चुके हैं, अब वो मेरे पास फिर आता है, कहता है सर मेरा जो कज़न 1.5 लाख पे लगा था ना, अब उसकी 3,00,000 हो गई है, उसने कंपनी शिफ्ट की है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह गया है, उसको 3,00,000 हो गई, डायरेक्ट 1.5 लाख से डायरेक्ट 3,00,000 पे चला गया, अब मैं क्या करूँ? नहीं, आईटी में तो ये चीज़ हो रही है ना इस वक्त, कि आप एक कंपनी से छोड़ते हैं तो दूसरे में जाते हैं तो 30,000-40,000-50,000 इंक्रीमेंट यूँ लग जाती है,
जो अभी हिस्ट्री बता रहा हूँ पिछले 3-4 सालों में जो मैं देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो अब मैं कहूँगा कि भाई ये दिस इज़ द लिमिट। अब अगर आप मुझसे मांगते हो ना 1 लाख रुपए, तो 1 लाख में आपके जैसे कम से कम 3 आएंगे, 2 भी नहीं, 35,000 के हिसाब से 1 लाख में आपके जैसे ना 3 आएंगे। तो मेरी दुकान 3 शिफ्टों में चलेगी, फिर 24 घंटे चलेगी, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट हैं, कभी बंद तो ज़ाहिर है सेल भी बढ़ेगी, फिर सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो मैं उससे इस पॉइंट पे मैं उससे माजरत कर लूँगा। लेकिन ऑन अदर एंड आप देखें, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को वो बच्चे 1 साल के 2 साल के एक्सपीरियंस में वो 3 लाख उसको दे रहे हैं और मना नहीं कर रहे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो कितना मुश्किल है। अगर शाहिद आफरीदी जो छक्का लगाता है ना, अगर इतना आसान होता छक्का लगाना तो वो उसको लाखों रुपये नहीं देते। बहुत मुश्किल काम है छक्का लगाना इतने बड़े ग्राउंड में, इतने सारे क्राउड में, जब फिर कोई पता नहीं है, टमाटर भी पड़ सकते हैं, अंडे भी पड़ सकते हैं ना, कोई पता नहीं होता। तो जब तक तो छक्के लग रहे हैं, जब तक सही मज़ा आ रहा है, तो कभी अगर 0 पे आउट हुए तो फिर नाराज़गी का भी सामना होता है। बुरखों में भी पहनकर भी हमारी टीम आई है, तारीख गवाह है, छुप के, है ना, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। और इस तरह की जो चीज़ें, तो प्रेशर आप सोचें कितना होता है। और फिर इतनी तेज़ी, शोएब अख्तर अगर जैसा कोई बॉलर सामने आ जाए तो कितनी, वो 120 पता नहीं स्पीड से बॉल कराता है। हाँ, 161 देखो यार, सब लोगों को पता है 161 की स्पीड से वो बॉल कराता है। गोली की स्पीड से बॉल आ रही है और वो बॉल वो कहीं भी लग सकती है। तो आप देखो ना, मुश्किल है ना काम। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बल्ले पे ही लगे, वो कहीं भी लग सकती है भाई। और ये तारीख गवाह है कि ग्राउंड में क्रिकेटर के हेलमेट के बीच से आगे उसके सर पे बॉल लगी और उसकी डेथ हुई है ऑन द स्पॉट। ये हो चुका है, और एक दफ़ा नहीं, ये कई दफ़ा हो चुका है। लोग मुख्तलिफ मौक़ों पे बॉल लगने से मर चुके हैं, ठीक है, फील्डर्स बॉल लगने से मर चुके हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है, जान जोखिम है। आप देखें पायलट जो जहाज़ उड़ाता है वो, अभी तो हम एक दिन आते हैं ना फ्लाई करके, तो हम ज़रा कलमा वगैरह पढ़ के बैठते हैं कि यार अगर मर गए तो हम शहीद हो जाएंगे, है ना। तो और ज़रा फिर आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हैं, जब टेक ऑफ हो जाता है फिर सुकून है, फिर खाना वाना खाना शुरू कर देते हैं, फिर जब लैंडिंग की बारी आती है तो दोबारा आयतुल कुर्सी शुरू होती है, है ना। अब आप सोचें, एक बंदा रोज़, उसको 2-3 फ्लाइटें रोज़ लेके जानी है, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, तो वो आप सोचें कितना मुश्किल काम है। वो तो रोज़ ज़िंदगी मौत की गेम खेल रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हवा में तो कोई एक परिंदा टकराया, गेम ओवर। तो और फिर कोई फ़नी ख़राबी हो जाए, कोई 10 तरह के मसले होते हैं, फिर इतने सारे पैसेंजर पीछे, कि अगर सिर्फ बंदा खुद हो तो बात और है, चलो पीछे 300 लोग बैठे हुए हैं जिनकी ज़िम्मेदारी, अगर आपसे कोई गलती हुई खुदा ना खास्ता कोई, तो वो 300 लोगों की जान आपकी, आपके हाथों में उसका खून है। तो आप देखें कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, और यही वजह है कि पैसे ज़्यादा हैं। तो जो काम जितना मुश्किल होता है उसके उतने ज़्यादा पैसे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और जब ही मैंने आते ही सबसे पहले ये बात की है कि जो काम किसी से नहीं होता है वो पठान से होता है। तो अब हमने इस मिशन पर पठान लड़के और लड़कियों को लगाया है, कराची में तो 10 साल से पढ़ा रहा है सलानी, अब इस मिशन पर हमने पठान लड़के लड़कियों को लगाया है। तो बड़ी उम्मीदें आप सब लोगों से। अच्छा, तो हम वापस इस पे आते हैं, और ये तो हमने इंटेंशन चलो देख ली, अब हम आ जाते हैं हमारा जो दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। हमारे पास इस वक्त 30 मिनट्स और हैं, तो हम 30 मिनट में कोशिश करते हैं इसको रैप अप करें, ठीक है। 2 घंटे का हमारा टाइम था टोटल वर्कशॉप का। ऐसा कभी भी नहीं होगा किसी भी रियल ऐप में कि आपने बोला कि गिव मी पिज़्ज़ा, और वो बोले यार हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा। वो तो सवाल पूछेगा भाई कि भाई लार्ज पिज़्ज़ा वो कौन सा फ्लेवर चाहिए, कितना पिज़्ज़ा चाहिए एटलीस्ट, ये तो पूछे, है ना। तो इसको एक दफ़ा और मैं शेयर करता हूँ सम हाउ। अच्छा, तो इसको आके ना मुझे ट्रेनिंग फ्रेजेस में क्या बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि गिव मी 1 पिज़्ज़ा। अब ये मैंने क्या इससे इनपुट लिया है, मैंने इससे ये इनपुट लिया है पैरामीटर। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे लिखा ना गिव मी 1 पिज़्ज़ा, तो आप देखें थोड़ी देर में ना 2-3 सेकंड में इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो 1 है ना ये क्या है, ये नंबर है एक, इसकी जगह पे कोई भी नंबर आएगा तो ये इसको समझेगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं जब थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो आप देखें ये वाला खाना जो पैरामीटर्स का जो खाना है, पहले ये खाली था, इसमें अब एक नंबर लिखा हुआ आ गया, और मैंने कहा रिक्वायर्ड, मैंने कहा ये नंबर आपने यूज़र से ज़रूर मांगना है कि जी कितना पिज़्ज़ा, ये तो पता होना, 1 चाहिए 2 चाहिए, ये ज़रूर आपने मांगना है। और प्रॉम्प्ट में जाके मैंने लिखा कि यार हाउ मैनी, अगर मिसाल के तौर पे ये नंबर बंदा नहीं देता है तो उससे फिर पूछो पलट के कि जी हाउ मैनी पिज़्ज़ा डू यू वांट,
ठीक है जी। और मैं मल्टीपल इसमें प्रॉम्प्ट्स लिख सकता हूँ जो बदल बदल के वो पूछेगा, ठीक है। मैं जस्ट हाउ मैनी भी लिख देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो बदल बदल के इसमें से लाएगा। अभी मैं ज़रा टाइम शॉर्ट है तो इसको मैं शॉर्ट शॉर्ट रखता हूँ और सेव का बटन दबा देता हूँ मैं, ताकि ये क्या हो जाए, सेव हो जाए। अब क्या होगा, अब जब मैं कहूँगा कि गिव मी पिज़्ज़ा, अगर तो मैं पहली दफ़ा में कह दूँ कि गिव मी 3 पिज़्ज़ा तो वो समझ जाएगा कि 3, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि गिव मी पिज़्ज़ा तो मुझसे पलट के पूछेगा कि जनाब कितने पिज़्ज़े आपको चाहिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग इस दफ़ा दोबारा से ख़ुद से शुरू नहीं हुई है, तो अगेन हम जाते हैं, ज़रा इसको ट्रेन का बटन दबाते हैं चल के। ट्रेन का बटन हमने यहाँ पे प्रेस किया, वापस इंटेंट्स में आए और मैं अब इससे कहता हूँ ट्रेनिंग स्टिल चल रही है, ट्रेनिंग कंप्लीट। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक दफ़ा मैं एहतियातन पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ कि शायद वो ना पेज में कोई इशू हो गया जिसकी वजह से वो ना ट्रेनिंग खुद से नहीं चला रहा हुआ, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, मैं ज़रा हाय से दोबारा बात शुरू करता हूँ। एक यूज़र आता है, कहता है हाय। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जी जवाब में इसने बोला कि हाय हाउ आर यू डूइंग, मैंने कहा जी आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, और गिव मी पिज़्ज़ा। अच्छा, तो अब देखते हैं ये मेरी इंटेंशन को समझ पाता है या नहीं। अच्छा जी, अच्छा मैंने आई हैव भी मिस कर दिया, मैंने गिव मी मैंने मिस कर दिया, मैंने गिव पिज़्ज़ा लिख दिया गलती से, लेकिन उसको समझ गया ये, अच्छी बात ये, क्योंकि इनका क्लेम है पीछे ये एआई को इस्तेमाल करते हैं। और सवाल पलट के पूछा है कि हाउ मैनी। अच्छा, ये इस तरह से तो जाहिर है ये चैटबॉट नहीं चलेगा, ये चैटबॉट एक किसी वेबसाइट पे लगा होगा या मैं इस पर बोल के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये डेवलपर कॉन्सोल है, इस वजह से आप देखें ना यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट पकड़ में आ रहा है इसके, ये बता रहा है कि जी इंटेंशन मुझे क्या समझ आई है। ये चीज़ें तो ये आम यूज़र को नहीं बताएगा ये, क्योंकि डेवलपर कॉन्सोल है, तो ये मुझे दिखा रहा है। इसको हम इंशाल्लाह भी एक वेबसाइट पर लगा के आज उठेंगे यहाँ से, इस चैटबॉट को ना एक वेबसाइट के ऊपर लगा के हम उठेंगे यहाँ से इन 30 मिनट्स में। और कह रहा है कि जी ये पैरामीटर में ना मुझे नंबर एक चाहिए जिसकी वैल्यू मुझे अभी तक नहीं मिली है। और इसने अभी सवाल मुझसे क्या पूछा हुआ है कि जी हाउ मैनी, मैंने कहा जी गिव मी 3। चलो ठीक है, अब इसने बोला कि जी हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा, और नीचे चल के देखते हैं इसको ये पैरामीटर भी 3 मिल गया, ठीक है। तो मेरा अब ये क्या हो गया, ये सेकंड पैरामीटर दैट इज़ कॉल्ड एंटिटीज़, ठीक है। ये मैंने एंटिटीज़ इससे कलेक्ट किए हैं, एक नंबर कलेक्ट किया है जिसके अंदर मुझे ये पता लग रहा है कि ये कितना इस बंदे को पिज़्ज़ा चाहिए था। अच्छा, अब मैं अपने रिस्पॉन्स में जब जाऊँगा ना तो हेयर इज़ योर के बाद मैं क्या लिखूँगा, वो नंबर यहाँ पर मैंशन करूँगा कि बंदे ने 3 बोला था, तो मैं जवाब में भी लिखूँगा कि 3 पिज़्ज़ा। मैं यहाँ पे डॉलर का साइन दबाऊंगा और ये नंबर सेलेक्ट करूंगा मैं, तो ये आ गया। अब ये बोलेगा कि हेयर इज़ योर 3 पिज़्ज़ा, इस तरह से जवाब देगा। अभी आप देखते जा रहे हैं कैसे सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये एक प्रॉपर ऐप बनती जा रही है। अच्छा, और क्या मुझे बात पूछनी है बंदे से, ये तो मैंने पूछ लिया कितना फ्लेवर पूछना है इससे। अच्छा, अब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है आप देखें, ये एंटिटी में लिखा हुआ रहा है कि ये सिस्टम डॉट नंबर है, ये सिस्टम एंटिटी है, ये पहले से इन्होंने बना के रखा हुआ है, लेकिन जो जो फ्लेवर है ना वो इसको पता नहीं है, वो मुझे बनानी पड़ेगी वो एंटिटी। आगे चल के जल्दी से एक एंटिटी बनाते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ इंटेंट के बिल्कुल पड़ोस में, यहाँ पे एंटिटी मौजूद है, एंटिटी पे जाके मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके क्रिएट न्यू एंटिटी का बटन दबाता हूँ और मैं कहता हूँ कि फ्लेवर्स, सही है जी। और फ्लेवर्स में आके मैं सबसे पहले इसको कहता हूँ कि जी फहीता, सही है। और एक मैं इससे कह देता हूँ कि जी बारबेक्यू, ठीक है, सही है बारबेक्यू। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करें, मैंने एक इसको वैल्यू बताई है और उसके मैं मल्टीपल सिनोनियम्स बता रहा हूँ। बारबेक्यू को कोई बीबीक्यू भी लिख सकता है और कोई पूरा बारबेक्यू भी लिख सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक फ्लेवर हम और कोई ऐड करते हैं, बताओ कोई एक फ्लेवर आपकी पसंद का, क्रीमी फ्लेवर, चलो चीज़ फ्लेवर, सही है जी। अच्छा, चीज़ को और क्या बोल सकते हैं, कोई सिनोनियम हो सकता है इसका, फहीता को शायद चिकन फहीता बोल सकता है बंदा। तो ये मैंने मल्टीपल सिनोनियम्स बना दिए और मैंने सेव का बटन दबा दिया। अब मेरे पास एक फ्लेवर करके भी मेरे पास एक पैरामीटर लेने का ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या पूछूंगा, व्हाट फ्लेवर। आ जाते हैं वापस मेरे इंटेंशन के अंदर, मेरे इंटेंट के अंदर, ऑर्डर पिज़्ज़ा वाले इंटेंट के अंदर, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या बोलता हूँ, जो मैंने बोला था ना गिव मी 1 पिज़्ज़ा, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट
चिकन, ठीक है, चिकन फजीदा पिज़्ज़ा। इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेना चाहिए, नहीं करेगा तो हम उसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं किया इसने डिटेक्ट। मैं बोलता हूँ कि जी इस जगह पर ना मुझे क्या मिलेगा, इस जगह पे मुझे फ्लेवर्स में से कोई एक चीज़ मिलेगी। ये वेरिएबल है मेरा, ये वेरी करेगा, कभी इसमें कोई फ्लेवर मिलेगा, कभी कोई फ्लेवर, ठीक है। ये यहाँ पे पता लग गया इसको कि ये दो पैरामीटर हो गए। अब आते हैं जी नीचे, हम नंबर के नीचे साथ में फ्लेवर भी आ गया। फ्लेवर पे भी मैं क्या लगाऊंगा, चेक कि दिस इज़ रिक्वायर्ड पैरामीटर। अगर बंदा ये बात ना बताए कि कौन सा फ्लेवर चाहिए तो आप उससे पूछो पलट के। और प्रॉम्प्ट में जाके मैं लिखता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, इसमें जाके लिखता हूँ कि जी व्हाट फ्लेवर वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है जी। या मैं साथ में लिखूँगा कि भाई विच फ्लेवर, ठीक है। इसको मैं मज़ीद इसमें प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ जो बदल बदल के वो पूछेगा। और मैं सेव का बटन दबाता हूँ। अच्छा, मैं जवाब में भी ये बात शामिल कर देता हूँ कि हेयर इज़ योर थ्री, और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, वो फ्लेवर कि चिकन फ़ाइता। मैंने कहा जी फ्लेवर, तो अब ये बोलेगा कि हेयर इज़ योर थ्री फ़ाइता चिकन फ़ाइता पिज़्ज़ा, ऐसे करके बोलेगा, है ना। ऐसे सोफिस्टिकेशन होती जा रही है। तो इस पॉइंट पे हमने अपना जो सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक था, अच्छा ये मैं आपको सिर्फ सरफेस नॉलेज दे रहा हूँ, ये डिटेल में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे इस कोर्स में। अच्छा, वो कोर्स में एडमिशन वगैरह कैसे होगा वो ज़िशान भाई आपको इसके बाद बता देंगे, ये बात जब मैं ख़त्म करूँगा ना अपने डेमो, इसके बाद ज़िशान भाई आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे सारा कुछ। अच्छा, तो अब ये क्या करेगा, आपको दोबारा से पूछते हैं कि जी ऑर्डर पिज़्ज़ा, ठीक है जी। पूछा इसने हाउ मैनी, मैंने कहा कि जी मुझे अब की बार ज़्यादा लोग हैं, आई नीड सिक्स पिज़्ज़ा, ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है कि जी व्हाट फ्लेवर वुड यू लाइक टू हैव, मैंने कहा कि जी मुझे चीज़ फ्लेवर चाहिए। अच्छा, इसको समझ नहीं आया, शायद इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई इस वजह से इसको समझ नहीं आ रहा। आ जाते हैं यार, ये ट्रेनिंग खुद से पता नहीं क्यों नहीं कर रहा यार। एक कहावत है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के दरमियान ना एक कहावत बोली जाती है कि कंप्यूटर को कभी भी ये बात नहीं पता लगनी चाहिए कि आप जल्दी में वरना कंप्यूटर खुद से स्लो हो जाता है और वो आपकी फिरकी लेता है, फिर कहता है अब तो मैं स्लो चलूँगा, आप जो करना है कर लो। तो ये शायद कंप्यूटर को ना मेरे पता लग गया है कि जो है ना जल्दी में हूँ मैं। नहीं हूँ भाई जल्दी में, नहीं जल्दी में कोई जल्दी में है यहाँ पर, जल्दी में तो नहीं है ना कोई। अच्छा, मैंने कहा कि जी गिव मी, अच्छा अब की बार मैं क्या करता हूँ, एक ही जुमले में सारी बात करता हूँ तो वो फिर भी समझ जाएगा, पीछे एआई लगी हुई है इसके। तो मैंने कहा कि जी गिव मी फाइव चिकन फहीता पिज़्ज़ा। अच्छा, फ्लेवर इसको अभी भी समझ नहीं आया है, फ्लेवर इसको नहीं समझ आ रहा, इसको वाकई में पता लग गया है कि हम जल्दी में। वेल, तो हमने क्या सीखा इस पॉइंट पे कि हम ना सिर्फ सिस्टम में बनी हुई एंटिटी बल्कि खुद की एंटिटी भी बना सकते हैं। अब अगर मैं इसको होना ये चाहिए था असूलन कि मैं उसको कहता ना कि गिव मी फाइव चिकन फहीता पिज़्ज़ा, तो उसको समझ आ जाना चाहिए था, सामने से डायरेक्ट बोलता कि हेयर इज़ योर फाइव चिकन फहीता, तो ये अभी समहाउ ये बग कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। अच्छा, तो ये दो बिल्डिंग ब्लॉक ना हमने यहाँ पे सीख लिए। अच्छा, तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक जो उसका ताल्लुक क्योंकि कोडिंग के साथ है तो वो हम यहाँ पे अभी नहीं कर पाएंगे। तो अभी इतने ही चैट बॉट को हम क्या करते हैं, एक छोटी सी वेबसाइट पे लगा के देखते हैं जी। हाँ नहीं, साइज़ भी बनाते हैं लेकिन अब वो टाइम असल में ज़रा शॉर्ट है हमारे पास। सॉरी, इसमें जितने भी पैरामीटर देखो, मैंने दो पैरामीटर बनाए ना यहाँ पे, मैं इसमें तीन चार पाँच जितने भी चाहूँ ले सकता हूँ। नहीं, ये तो अभी एडवांस आपने सवाल पूछा है, दोस्त ये कह रहे हैं कि अगर मुझे चाहिए कि दो चिकन पिज़्ज़ा चाहिए और एक चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए तो ये इसमें कैसे होगा, तो ये ज़रा एडवांस सवाल है। ये अभी मेरा ख्याल है इसका जवाब अगर मैं दूंगा तो आप सब लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना, क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा करके डोज, अभी मैंने आपको बिल्कुल ऐसा सरफेस का डेटा दिया है कि बिल्कुल जो नॉन टेक्निकल भी बंदा है ना उसको ये बात समझ आई है, और अगर वो ये स्टेप्स फॉलो करेगा तो उसको बना भी लेगा, ठीक है। लेकिन हम जब ये कोर्स शुरू करेंगे तो इस कोर्स में सबसे पहले जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, क्योंकि ये तो क्लिक क्लिक से इतना काम हो गया ना, अब इसके आगे की जो तीसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज़ कॉल्ड फुलफिलमेंट, तो उसके लिए अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे फॉलो करेंगे ECMAScript 6
ES6 हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो वो आपको सिखाई जाएगी सबसे पहले, उसके बाद ये चैटबॉट वगैरह वो आधा कोर्स हमारा जो ना बेसिक्स पे चलेगा, फिर उसके बाद हम चैटबॉट पे मूव करेंगे, समझ रहे हो? अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ना वेबसाइट पे लगाने की कोशिश करते हैं। मैं जाता हूँ इंटीग्रेशन के बटन पे और मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अच्छा इसमें ना इसको टेलीफोन पे भी लगाया जा सकता है, मैं फ़ोन कॉल करूँ और ये सामने से ये बात करे मेरे से चैटबॉट। अच्छा, किसी वेबसाइट पे भी लगा सकता हूँ मैं, मैसेंजर करके ये मौजूद है मेरे पास। अच्छा, इसको वेबसाइट पे लगा लें या फ़ोन पे लगा लें, वोट इसको फ़ोन कॉल पे लगा के चेक कराऊँ मैं या वेबसाइट पे लगा के चेक कराऊँ? अच्छा चलो फ़ोन कॉल पे यार ये कर लेते हैं, आ जाओ। फ़ोन कॉल पे मैंने क्लिक किया, अच्छा ये मुझसे पूछ रहा है कि यार आप एरिया कोड बता दें, 415 मैंने लिख दिया, 413 लिख दिया, सही है 415 अवेलेबल नहीं है, और मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया, नो फोन नंबर अवेलेबल टू फुलफिल द रिक्वेस्ट, मैं कोई दूसरा एरिया कोड लिखता हूँ 301, नो फोन नंबर अवेलेबल। मैं डिफरेंट एरिया कोड ट्राई कर रहा हूँ समहाओ, लेकिन जो है ना ये चल नहीं रहा कंप्यूटर को क्या पता लग गया कि बहुत जल्दी में तो अब ये ना चलने से इसने इनकार कर दिया। अच्छा मैं काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास एक दूसरा जुगाड़ है, दूसरा जुगाड़ ये कि मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट के लिए बनाया था, तो मैं वो आपको चला के दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? अच्छा, एक ये वेबसाइट है इसकी, AI टू ट्रैवल, ये इनके लिए मैंने रिसेंटली एक चैटबॉट बनाया था, तो मैं वो आपको चला के दिखाता हूँ। सही है, इसका फ़ोन नंबर भी इन्होंने यहाँ नीचे लगाया हुआ है, इस पर आप कोई भी फ़ोन करेगा ना आप में से, मोस्ट प्रॉब्ली ये फ़ोन नंबर है। अच्छा तो मैं ज़रा अपने फ़ोन से इस नंबर पे कॉल मिलाता हूँ। अच्छा हाँ यही नंबर है, अच्छा ये मैंने कॉल मिला दी, होपफुली ये चल जाए। अच्छा आप में से भी कोई इस पे कॉल मिलाएगा ना तो ये इसी तरह आपसे भी बात करेगा। क्या हुआ? अच्छा मुझे ये माइक ज़रा निकाल के ना, कैन आई यूज क्रिप्टो करेंसी फॉर पेमेंट्स? इसको पता नहीं लगा अभी हम जल्दी में, होपफुली ये काम कर जाएगा यार ये क्या हो रहा है आज? इसको कॉल कट करके दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, एक दफ़ा और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। Can I use credit card for payments? फाइनली हमारा जो डेमो था वो ये तो नहीं चल पाया, लेकिन मैंने रिसेंटली क्लाइंट के लिए जो बनाया था वो मैंने आपको चला के दिखा दिया। तो इस पॉइंट पे हमने ना डायलॉग फ्लो का जो है ना एक बेसिक चैटबॉट बना लिया। अच्छा आप लोगों को क्या करना है, आप जाके आप लोगों को अभी तो जिशान भाई एडमिशन का बता देंगे कि यहाँ कब से क्लासेस शुरू हैं, लेकिन आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप क्या करेंगे, आप जाएंगे youtube.com पे जाके, बल्कि आप गूगल पे लिखेंगे मेरा नाम इंजमाम मलिक, तो ये आपके पास ना ये YouTube आ गया।
अच्छा इसमें ये मेरा मुंह लगा हुआ होगा ऐसा। अच्छा तो इसके ऊपर ना, इसी के ऊपर ये वाली स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास अभी, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और इसमें प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये जो मेरी मेरी जो भी क्लासेस मैं पढ़ाता हूँ उसकी मैं स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके यहाँ डालता हूँ। तो आप यहाँ पे जाएंगे, हर क्लास की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाएँ, आप देखें ये ASF करके जो क्लास है, ये सारे फौजी वहाँ पर पढ़ते हैं जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है उनके साथ हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। नेवी के साथ, आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ, इन सब के साथ हमारी कोलेब्रेशन चल रही है। तो ये वो क्लास की रिकॉर्डिंग है, इसमें देखें 34 वीडियोज़ हैं टोटल। अच्छा ये SMIT के अंदर जो चल रहा है बैच 9, ये उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं यहाँ पे, है ना। उसके अलावा चैट बॉट की भी कुछ क्लासेस चल रही हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग है यहाँ पर। ये आप देखें, ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, ठीक है जी। ये बैच 8 है, जो पिछले साल का जो बैच था कराची में SMIT में जो हुआ था पिछले साल का बैच, ये यहाँ पर वो सारी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें AI एंड चैट बॉट का बैच 1, ये उसकी रिकॉर्डिंग है, इसमें 58 वीडियोज़ हैं टोटल। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जाने के फ़ौरन बाद ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी जो अभी आप ये करके दिखाया है मैंने आपको, और आप घर पे अपने हाथ से इस वीडियो को प्रैक्टिस करेंगे और इतना आप करके देखेंगे खुद से। जी हाँ स्लाइड वो तो रिकॉर्डिंग में आ गई ना। अच्छा चलो स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा स्लाइड्स, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया डायलॉग फ्लो, अभी एक इससे भी अच्छी चीज़ आ गई है। दो फ्रेमवर्क हम फॉलो करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। इसमें तो आपने देखा कि मैंने एक चैट बॉट बनाया तो कितनी मुश्किल से बनाया, मुश्किल से मुराद ये कि मुझे टाइम लगा। अब हमारे पास एक चीज़ आ गई है ChatGPT। ChatGPT की प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे इस क्लास में। अच्छा उसका भी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ और आप ये देखिएगा कि ये चैट बॉट जो मैंने 10-15-20 मिनट लगा के बनाया है इस पर, वो ChatGPT में 2 मिनट में कैसे बनता है। एकदम 2 मिनट में बनेगा। अच्छा आते हैं जी। अच्छा ChatGPT OpenAI.com। एक तो ChatGPT है ना जो सब लोग आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डेवलपर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म है ना, दैट इज़ कॉल्ड OpenAI Playground, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, OpenAI Playground। ये मैंने OpenAI.com खोला, इसके ऊपर मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ से किधर जाऊँगा, इसके Playground के ऑप्शन के अंदर जाऊँगा। अच्छा Playground में वही वाला ChatGPT है, कोई दूसरा ChatGPT नहीं है, वही वाला है। लेकिन वो ज़रा उसमें ना बहुत सारी चीज़ें मुझे बता भी रहा होता है, बहुत सारे स्टैट्स मुझे बता रहा होता है, बहुत सारी फाइन ट्यूनिंग मेरे पास अवेलेबल होती है। ये मेरे पास लॉगिन होके मेरे पास डैशबोर्ड आ गया। अब मैं जाता हूँ ये अकाउंट में अपने, और सॉरी ये ऊपर आ रहा है प्लेग्राउंड लिखा हुआ, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा प्लेग्राउंड में चला गया मैं, और मैं यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें नॉर्मल वाला जो ChatGPT उसमें तो ये ऑप्शन नहीं आता मॉडल सेलेक्ट करने वाला। मैंने कहा कि जी कंप्लीशन मॉडल पे चलाओ, कंप्लीशन मॉडल सेलेक्ट किया मैंने। अच्छा और ये पूछ रहा है कि उसमें कंप्लीशन मॉडल के 3-4 वेरिएंट है तो कौन सा। मैंने कहा टेक्स्ट डिविंची 3 जो इनका सबसे तेज़ मॉडल है इस वक्त, ठीक है 3.5 टर्बो के अंदर सबसे तेज़ मॉडल है ये। अच्छा यहाँ पे आके मैं इससे पूछता हूँ अगर हाय, और ये नीचे सबमिट का बटन है ये जब दबाता हूँ मैं तो ये मुझे क्या करता है, हाय हाउ आर यू बोला मैंने और सबमिट का बटन दबाया तो ये मुझे क्या करता है, मुझे ये जवाब देता है। ये वही ChatGPT है जो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं ChatGPT गूगल पे लिख के। अच्छा फिर मैं अब इससे मज़ीद कोई सवाल करता हूँ कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट चैट बॉट इंडस्ट्री, ठीक है, और मैंने सबमिट का बटन दबाया तो अब देखें इसने ये पूरा जवाब दिया मुझे कि आई थिंक चैट बॉट इंडस्ट्री इज़ एन एक्साइटिंग रैपिडली ग्रोइंग फील्ड फॉर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो पूरी इसने बात लिख दी। अब इसकी मैंने प्रोग्रामिंग करनी है कुछ इस तरह से कि ये मेरे बिजनेस की बात करे सिर्फ, कोई और बात ना करे। ये जो मैंने जो वीडियो शॉर्ट क्लिप चलवाया था ये पेज के ऊपर उसमें भी मैंने ये बात की थी ना कि ChatGPT को हम ऐसे प्रोग्राम करें वो सिर्फ मेरे बिज़नेस के बारे में बात करे। कि अगर जैसे सर बैठे हैं, सर आपका क्या बिज़नेस है, टेक्सटाइल्स का बिज़नेस है। अच्छा तो टेक्सटाइल की इनकी जो फैक्ट्री है उसमें ज़ाहिर है कोई क्लाइंट्स आते होंगे, तो इनकी जब वेबसाइट पर वो क्लाइंट आए तो वहाँ पर एक छोटा सा चैट का बॉक्स बना हुआ और चैट शुरू हो जाए वहाँ पर और वहाँ ChatGPT बात करे,
और बताया है कि जी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, इनके अगर कॉन्टैक्ट करना हो, इनके लोगों से मीटिंग करनी हो तो वो किस तरह होती है, क्या प्रोसीजर है ना, वो सारा वो बताए। तो आप देखें कि एकदम पूरे जितनी कॉलें आती हैं रोज़ बंदा एक बैठा होता है वो माइनस हो गया, तो वो सारा बात वहाँ पे हो रही होगी। अच्छा उससे बात नहीं समझ आएगी तो वो कह देगा भाई मुझे बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कॉल बैक करें, तो स्केजुअल हो जाएगा कॉल बैक, मेरे पास डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी कि जो कॉल बैक। अच्छा तो अब वो प्रोग्रामिंग यहाँ पे कैसे होगी, मैं रैंडमली किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ, उसका डेटा कॉपी करता हूँ मैं, उसकी टाइमिंग, उसका फ़ोन नंबर सारा होता है ना वेबसाइट के ऊपर, वो सब आ जाएगा। अच्छा बताओ किसी वेबसाइट का नाम, चलो तुम्हारी मर्ज़ी की किसी वेबसाइट का, आप लोगों की मर्ज़ी की कोई एक वेबसाइट जिस पेशावर, अच्छा पेशावर क्लब सर्विस हमने लिखा गूगल पे, और ये हमारे पास पेशावर क्लब सर्विस की वेबसाइट खुल गई। ये आपका अपना बिजनेस है दोस्त? अच्छा वेल, जिसका भी बिजनेस है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो क्या करे, वो उड़ता हुआ हमारे पास आएगा, यार भाई मुझे बना दो ये। अच्छा तो अब यहाँ पे ना मैं जाके क्या करूँगा, ये जो पूरी वेबसाइट है ना इसकी, ये वाली ऐसे यूँ मैंने कॉपी किया और ला के मैंने इसको ना इधर अपने प्ले ग्राउंड पर इधर ये पेस्ट कर दिया। अच्छा और इनकी जो टाइमिंग्स वगैरह यहाँ पे लिखी होंगी ना, कहाँ है वो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाली पेज पे गया और इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ था इन्होंने, इसको पूरे को मैंने ये कॉपी किया नहीं और इसको भी मैंने ला के ना यहाँ पे लगा दिया। ठीक है और क्या डिटेल होती है, एक पूरी वेबसाइट फ़िलहाल मैं कॉपी नहीं कर रहा, मैं ज़रा शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ अपने ना, और ये अबाउट में चला जाता हूँ, ज़रा हिस्ट्री में ज़रा चला जाता हूँ, है ना, यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं है ना, अबाउट द पेशावर क्लब सर्विस, ये मैंने इतनी बात कॉपी कर ली। ठीक है जी, और कुछ और थोड़ा सा डिटेल और हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। बस इतनी डिटेल मेरा ख्याल है फिलहाल अभी काफ़ी है। इतनी डिटेल के ऊपर ना मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ट्रेन करता हूँ मैं और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है जी, अच्छा बहुत सिंपल काम किया मैंने, वेबसाइट को जाके यूँ मैंने कॉपी किया और लाके यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये बैकटिक में पैक किया और इसको मैंने बैकटिक में पैक किया, और अब जो मैं बात लिखने जा रहा हूँ ना इसमें, ये है असल जादू। मैंने लिखा कि अबव इज द वेबसाइट ऑफ, क्या नाम था इसका, पेशावर सर्विस क्लब। ठीक है जी, प्रिटेंड यू आर फ्रंट डेस्क मैनेजर, बोलते हैं जो काउंटर पे जो होता है उसको मैनेजर कहते हैं, फ्रंट एंड लिख दिया मैंने फिलहाल। ठीक है, फ्रंट डेस्क मैनेजर एंड आंसर यूजर क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द वेबसाइट। अभी मैंने एक लाइन का कोड लिखा है और वो भी बिल्कुल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा है सादा अंग्रेजी ज़ुबान में। अच्छा ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, मज़े की बात ये। अच्छा रिमेंबर एज अ फ्रंट डेस्क मैनेजर यू आर काइंड एंड कोऑपरेटिव, ये मैंने जस्ट एक बात लिख दी ताकि वो जो जवाब दे ना वो ज़रा फ्रेंडली मैनर में दे। ठीक है, फ्रेंडली काइंड एंड कोऑपरेटिव। अच्छा यहाँ पे लगा दिया मैंने फुल स्टॉप और नीचे आके मैंने लिखा यूज़र क्वेश्चन, और अब मैं इससे बातचीत शुरू करता हूँ। मैंने कहा हाय, मैंने लिखा यूज़र क्वेश्चन और मैंने लिखा हाय। अच्छा अब वो जो नॉर्मल वाला जो चैट जीपीटी है ना, है तो वो यही लेकिन उसका इंटरफेस इसका अलग है, उसमें कोई बात आप लिखते हैं तो वो पीछे चला जाता है, उसको भूल जाता है, फिर इसमें नहीं भूलेगा। और इसको API का भी एक्सेस है, ये मुझे ना पूरा कोड भी दिखा रहा है कि अगर इसको मुझे प्रोग्रामिंग में करना हो तो ये कोड है इसका। तो ये डेवलपर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, उन लोगों के लिए जो चैट जीपीटी की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं।
अच्छा, तो अब ये देखें, अब बातचीत शुरू होगी और अब कोई इसके अंदर वो नहीं आएगा। सबमिट का बटन दबाया मैंने, अब ये मुझे जो ना जवाब दे रहा है कि जी बंदे ने हाय बोला, हेलो देयर, वेलकम टू पेशावर सर्विस क्लब, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, इसको मैं एजेंट करके ज़रा ऐसे कर देता हूँ, सही है, एजेंट करके कर देता हूँ कि जी वो, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन सी बात यूज़र ने की है और कौन सी बात जो है ना एजेंट ने की है। फिर मैं अगेन आता हूँ, यूज़र क्वेश्चन, और अब आपकी मर्ज़ी का कोई भी सवाल पूछें, व्हाट आर योर सर्विसेज। अच्छा, ये उसमें होना भी चाहिए, जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है ना उसके अंदर ये होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो जवाब नहीं देगा। बल्कि फ़ोन नंबर पूछा जाता, फ़ोन नंबर पूछ लेते हैं, ठीक है, और ये एड्रेस, एड्रेस इसमें लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है जी, इन्फो डेस्क का फ़ोन नंबर अलग लिखा हुआ है, इवेंट बुकिंग का फ़ोन नंबर अलग लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे अगर इवेंट बुक करना है तो मुझे फ़ोन नंबर बताओ, तो देखते हैं कि वो सही फ़ोन नंबर बता पाता है या नहीं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यार आई वॉन्ट टू बुक योर सर्विसेज, व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर। ठीक है जी, और मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ और देखता हूँ कि इसने क्या जवाब दिया मुझे। जवाब में आया है कि एब्सोल्युटली यू कैन बुक आवर सर्विस बाय कॉलिंग एट दिस नंबर और दिस नंबर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू। अब ये नंबर ज़रा मैच कर लेते हैं कि ये इसने सही जवाब दिया कि नहीं दिया। ये प्लस 91 है और लास्ट में इसके 53 है, बिल्कुल सही जवाब दिया है ना, ऐसे करके इसने जवाब दिया। ठीक है, अच्छा, और ये दूसरा जो नंबर है ये भी सही है, 4x7 है इसके दरमियान में, बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं इसका एड्रेस पूछने की कोशिश करता हूँ, और मैंने कहा कि जी यूज़र क्वेश्चन, वेयर आर यू लोकेटेड, जस्ट इन केस, कि जी जस्ट इन केस अगर मुझे आना पड़ जाए तो आप जो है ना किधर है आपका एड्रेस। वी आर लोकेटेड एट 40 द माल पेशावर कैंट, ये सही बताया इसने, सही है। अच्छा, और भी कोई बात, यूजर क्वेश्चन, टेल मी मोर अबाउट, क्या ये दिस क्लब, सही है, टेल मी मोर अबाउट दिस क्लब। अब देखते हैं ये ज़रा उस पूरे डेटा में से इमेजिन करके अब मुझे क्या नई बात बताता है, जो मैं मुझे तो नहीं सारे सवाल पता ना, एज अ यूज़र जब मैं आऊँगा तो मुझे थोड़ी पता है कि उसमें क्या डेटा मौजूद है। मैं पूछूँगा कि यार बताओ क्या क्या जानते हो तुम, क्या क्या बता सकते हो, इस तरह के। तो ये अब वो इमेजिनेशन वाले, मैं प्योर इमेजिनेशन वाली जवाब इससे मांगना चाह रहा हूँ, और मैंने कहा सबमिट। ठीक है, अब ये देखें इसने जो है ना ये बात की है कि जी सर्टनली पेशावर सर्विस क्लब, और इसका ये शॉर्ट फॉर्म भी बताया इसने, एस्टेब्लिश्ड इन 1863, फॉर्मली नोन एज गेम क्लब, और ये पूरी इसने देखें बात की है, इसने कहा कि जी ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ सुपर एंट्रीज, सोफिस्टिकेटेड एंटरटेनमेंट एंड एलिगेंट अकोमोडेशंस, एडिशनली वी हैव एन आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड कार पार्किंग। ये आप देख रहे हैं, ये सारी इसने बात बताई, और ये सारा होपफुली इसने इसी ट्रेनिंग डेटा, देखिए 1999 करके जो है ना इसने ये पूरी यहाँ पे बात मेंशन हुई हुई है, इसमें से उठा के ना इसने ये पूरा बताया। तो ये हमने क्या सीख लिया, ये हमने सीख लिया चैट जीपीटी को प्रोग्राम करना। अच्छा, अब ये लेकिन तो डेवलपर इंटरफेस है ना, अब ये किसी वेबसाइट पे लगाने तक का जो इसके प्रोसेस है वो मैं इस छोटे से वर्कशॉप में नहीं बता पाऊँगा, वो ज़रा सा लेंदी प्रोसेस है वो। उसके अंदर आप देखें ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व है, वो आपने आपको होपफुली बहुत सारे लोगों को आती भी होगी, लेकिन जब ये कोर्स शुरू होगा तो हम उस कोर्स में पहले दिन से ये एज्यूम करेंगे कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो बंदा एलिजिबल है जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाना जानता है, कंप्यूटर चलाना नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक अगर मोबाइल पे आप चलाना जानते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि जी ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये इसमें मुझे जाना चाहिए, तो आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है जी, अब किसी का अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, आप अदरवाइज़ फिर मैं जीशान भाई को फॉरवर्ड करता हूँ माइक। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जो हमने बात की? जी दोस्त, डायलॉग फ्लो जो है ना वो भी फ्रेमवर्क है, असल में इस वक्त जो सबसे स्टेबल फ्रेमवर्क है वो डायलॉग फ्लो है।
चैट जीपीटी बिल्कुल नया है, ये गलतियाँ करता है, ये बहुत सारी। नहीं नहीं वो उसमें कॉपी पेस्ट इस तरह नहीं होता, उसको तो उसमें तो इंटेंशन पूरा बनाना पड़ता है, उसमें पूरी एंटिटीज़ होती हैं, वो एक सर्टन तरीके से चलता है वो। ये तो बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है ना, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ये तो वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था, चैट जीपीटी, है ना। तो ये चैट जीपीटी में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और डायलॉग फ्लो में बिल्कुल अलग है, तो हम यहाँ पे दोनों कवर करेंगे जस्ट इन केस, है ना, जस्ट इन केस हम दोनों कवर करेंगे ताकि दोनों का आपको एक्सपीरियंस हो जाए। फिर थोड़े दिनों में मार्केट खुद डिसाइड करेगी कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। अच्छा, इससे पहले कुछ और भी फ्रेमवर्क्स थे जो हम अपने कोर्स में रखा हुआ था हमने, जैसे अलेक्सा स्किल किट, अलेक्सा करके डिवाइस आती थी, वो हमने कोर्स से निकाल दिया अपने, क्योंकि हमें अब समझ आ गया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं बची अलेक्सा की डिवाइस की, है ना, वो ख़त्म हो गई है, तो वो हमने हटा दिया। लेकिन अभी डायलॉग फ्लो को अभी तक हमने रिमूव नहीं किया अपने कोर्स से, हो सकता है अगले साल रिमूव कर दें, लेकिन अभी तक नहीं किया। तो मार्केट डिसाइड करती है कि जी क्या है, कल को चैट बॉट बनाने का कोई नया फ्रेमवर्क आ जाएगा, हम वो सीखेंगे यार। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो नए नए फ्रेमवर्क आते रहेंगे, हमें सीखते रहना पड़ेगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो जी हाँ, मुश्किल है, और मुश्किल काम के ही पैसे हैं, आसान काम के कोई पैसे नहीं है। अगर कोई काम आसान है, पान लगाना, तो कोई भी 10 मिनट में सीख जाता है। आप कहेंगे यार मुझे 1,00,000 रुपये, तो कहेगा जा भाई, ये बच्चा खड़ा हुआ है, आ बच्चा इधर बैठ, लगा ऐसे ऐसे लगा इसको, कत्था ऐसे लगा, हाँ ऐसे चूना लगा इसको। नहीं, असल में तो कराची का बैकग्राउंड, कराची में लोग बड़ा इसको पिक करते हैं एग्जांपल को ना, यहाँ तो शायद वो नसवार है यहाँ पर उसकी जगह। अच्छा अच्छा, पान गुटका वो जो मुंह खाते हैं ना, लाल लाल करते हैं, पूरे रोड गंदे करते हैं, वो है पान। तो क्या कहते हैं भाई, मुश्किल काम के पैसे हैं, और ये मेरे लिए तो अच्छी बात है ना भाई, नया फ्रेमवर्क आ जाएगा, कोई सीख नहीं सकेगा, तो मेरी डिमांड बनी रहेगी, तो मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मैं अपने मुंह मांगे पैसे मांगूंगा, मुझे मिलेंगे। और किसी का कोई सवाल? जी जी हाँ, देखिए माइक अगर चल रहा है तो माइक फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा नहीं जी, मैं खड़ा हो जाता हूँ ना, मैं आ जाता हूँ आपके, ताकि मुझे तरीक से आ जाए। मैं सवाल रिपीट एप्लीकेशन में, ये जो चैट बॉट हमने बनाया है, ये चैट बॉट मोबाइल फ़ोन पे लग जाता है, जो मैंने आपको चला के दिखाया, किसी भी वेबसाइट पे ये कनेक्ट हो जाता है। वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, साइट में छोटा सा बबल बना हुआ है, क्लिक करते हैं वहीं पे बॉक्स मिल जाता है चैट बॉट। किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में ये कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये कनेक्ट हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को जो सीडीज इंस्टॉल होते हैं। क्योंकि जितने भी तरह के एप्लीकेशन है ना, जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ जहाँ इंटरनेट मौजूद है वहाँ वहाँ ये कनेक्ट हो सकता है, यहाँ तक कि किसी हार्डवेयर स्पीकर में भी कनेक्ट हो सकता है। आपको पता है ना, गूगल असिस्टेंट के स्पीकर आ चुके हैं, आप बस वो छोटा सा स्पीकर है ब्लूटूथ, उससे आप बात करते हैं। इसका बिजनेस यूज बता दें। तो अच्छा, तो बिजनेस यूज तो सबसे पहला ये है कि भाई ये दुनिया के कॉल सेंटर ना सारे खत्म हो गए हैं इसके आने से। अब आप सोचें ना, पूरी वेबसाइट मैंने इसको हिफ्स करा दी 5 मिनट में, अगर मुझे 2-4 दिन मिल जाए तो मैं क्या क्या सिखा दूंगा इसको। 2-4 दिन अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो सारी बात इसको सिखा दूंगा। तो कॉल सेंटर वाला, जो टेलीनॉर का कॉल सेंटर बैठा हुआ है, उसको जो पैकेज उन्होंने याद कराया मैं पूरी, तो मैं तो 2 दिन में उसको मैं पूरे पैकेज याद करा दूंगा, तो ख़त्म हो गई कॉल सेंटर की गेम पूरी। तो ये फ़ोन और फ़ोन पे लग भी रहा है, कोई कॉल करेगा सामने से चैटबॉट उठाएगा बात करेगा। तो कॉल सेंटर में जो 100-100 लड़के बैठे हुए होते थे ना, अब उसकी जगह सिर्फ 2-4 बैठे हुए होंगे, कि अगर वो हैंड कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो नहीं सिखाया मैंने, तो वो उसको फ़ौरन रिसीव करे और बात करे। अब आप ये सोचें कि एक सॉफ्टवेयर जो 100 लोगों का काम अकेला कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर अगर आप बनाना जानते हैं, आप सीख गए हैं बनाना, तो आप सोचें कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आपकी डिमांड क्या होगी। और ये तो आप अपने गली मोहल्ले में निकलेंगे, जो भी बिजनेस, जैसे सर बैठे हैं अभी, सर आपको अगर कोई ऐसा चैटबॉट बना के दे और आपसे 40-50 हज़ार मांगे, है ना, तो कोई मसला नहीं है। तो 40-50 हज़ार देने वाला कस्टमर तो ये सामने बैठा हुआ है, ख़त्म हो गई बात। तो ये वैल्यू क्रिएट करना, आप समझ आ गए इसके यूज़ केस क्या है। अच्छा, इसमें इस वक्त अच्छी बात ये है कि ये ज़ीरो कॉम्पिटिशन मार्केट है। अभी पूरे पाकिस्तान में चैट बॉट का कोई भी ना सिखा रहा है, ना ही नाम ले रहा है यूनिवर्सिटी में, कोई ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना किसी प्राइवेट अदारे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी में, ये 2016 से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और जब मैंने काम शुरू किया था तो उसके 1-2 साल के अंदर फिर सैलानी में इसका कोर्स मैंने बना के इन लोगों को भेजा, तो ये बड़ा आई अप्रिशिएट केयर, इन्होंने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लिया है ना। चेंज को एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी बात होती है, वरना लोग चेंज से बड़ा डरते हैं। चेंज इज़ इनविटेबल, अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते आप ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वक्त मैं दावे से कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर चैट बॉट का कोई नाम भी नहीं ले रहा, हालांकि आप देखिए कितनी अमेजिंग चीज़ है, ऐसे यूं बन रहा है सारा। और ये अगर किसी वेबसाइट पे लग जाए, भाई मैं इतनी बड़ी वेबसाइट है, मैं कहाँ ढूंढता फिर वो फ़ोन नंबर उसका,
चलो फोन नंबर तो फिर भी समय कॉन्टैक्ट के मतलब छोटी मोटी कोई डिटेल है पूछना मुझे तो नहीं पता। अच्छा अब ये तो एक छोटा यूज़ केस है, इसके अलावा बहुत सारे यूज़ केस हैं। मैं पूरी एक बुक इसको पीडीएफ की देता हूँ, मैं बुक से बात कर रहा हूँ, बुक में क्या लिखा हुआ है मैं बताऊँ यार, इस बुक के मुताबिक जो है वो करेंसी को क्या समझते हैं वो जवाब दे रहा हूँ। आप इसके आप जितना जो आप सोच सकते हैं वो यहाँ हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा सोच सकते हैं आप। मैं एज अ फ्री लांसर जब भी किसी नए क्लाइंट से बात करता हूँ वो कोई ऐसी नई बात करता है जो मैंने भी कभी नहीं सोची होती। तो एक एक बंदे ने अभी रिसेंटली मेरी बात हुई, वो कह रहा है कि यार मैं क्या करूँ, किसी बंदे का लिंक्डइन का प्रोफाइल या फेसबुक का प्रोफाइल उसको लिंक दूँ चैटबॉट को और वो जितने भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो निकाल के ले आए, समहाउ उसके विकिपीडिया का पेज निकाल के ले आए, ये सारी चीज़ें निकाल के ले आए और सब चीज़ों को याद कर ले। अब जब उससे कोई बात करे ना, आप समझ लें मैंने शाहिद आफरीदी का फेसबुक का पेज दिया और शाहिद आफरीदी का वो लिंक्डइन और जो भी सारी डिटेल इंटरनेट पर जो भी मौजूद है वो सारी दे दी। अब जब मैं बात करूँ ना तो वो शाहिद आफरीदी बन के मुझसे बात करे। अब वो इंटरटेनमेंट के वो कैटेगरी में ये बड़ा अच्छा चल रहा है, वो कह रहे हैं यार लोग इलॉन मस्क से बात करना चाह रहे हैं। अब इलॉन मस्क की जितनी वो पब्लिक डिटेल मौजूद है उसने कहा वो सारी इकट्ठी करो एक बॉक्स में डालो, इलॉन मस्क तैयार, अब इलॉन मस्क से बात करो आप, इलॉन मस्क ने आइंस्टाइन से बात करो, है आइंस्टाइन से बात करो, वो तो ख़त्म इंतकाल कर गए वो तो आइंस्टाइन साहब। तो उन्होंने कहा यार नहीं, आइंस्टाइन की जितनी पब्लिक डिटेल है उनके बारे में बायोग्राफी बनी है वो सबको उठाओ इधर टेक्स्ट डालो बात करो, पूछो जवाब दोगे यार आपने ये इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर कैसे बनाया था, तो वो जहाँ भी बुक में कहीं ना कहीं तो किसी ने लिखा होगा ना कि कैसे बनाया, तो जवाब देगा। अब आप सोचिए ये आप जितना सोच सकते हैं ना, तो योर थिंकिंग इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के लिए अटेंड करने का और बहुत बहुत शुक्रिया कि दो घंटे आपने मेरी बात सुनी और इस चीज़ से मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आप लोग ना सिर्फ मेहनती हैं बल्कि आप सब लोग काबिल भी बहुत हैं, आप सब लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि जब एक ऑडियंस से बंदा बात करता है तो उसके आईक्यू का अंदाज़ा होता है। आपके सवालात माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव रहे, ठीक है। तो इसी दुआ के साथ अल्लामा इकबाल की एक दुआ है जिसके साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि जवानों को मेरी आहे सहर दो और फिर इन शाहीन बच्चों को, ये आप सब लोगों की बात कर रहे हैं, इन शाहीन बच्चों को बालों। अच्छा कल मैंने ये शेर सुनाया ना तो किसी दोस्त ने मुझे मैसेज किया, कहा कि यार सर वो शेर था आपने बड़ा अच्छा सुनाया था लेकिन आप उसको समझा भी देते हैं हमें समझ नहीं आया, वो अल्लामा इकबाल की शायरी ज़रा मुश्किल होती है। तो वो आहे सहर कहते हैं कि जो सुबह उठता है ना बंदा तो पहला जो उसके जहन में पहली फिक्र होती है, मिसाल के तौर पर जब जिस दिन मेरी सैलानी में सुबह सुबह क्लास होती है मैं उठते ही बोलता हूँ अरे यार जल्दी से तैयार हूँ मैं क्लास पढ़ाने, तो आहे सहर जो ज़िंदगी में पहला जो उठते ही आपको आता है ना गम क्या आता है, तो वो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, कि जो मैं उठता हूँ ना सुबह, अल्लामा इकबाल साहब जो खुद उठते हैं सुबह तो उनको जो पहला गम सताता है ना तो वही गम ये आप सब लोगों को भी पता लग जाए कि वो क्या सोचते हैं पहली बार सुबह उठते ही, जवानों को मेरी आहे सहर दे और फिर इन शाहीन बच्चों को। अब वो फिक्र आ गई ना जब, अब सोच जब आ गई आहे सहर पता लग गई कि अल्लामा इकबाल क्या सोचते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि इन शाहीन बच्चों को फिर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि बाल और पर दे। अब जब देखें चूज़ा, जब मुर्गी का भी चूज़ा होता है बिल्कुल प्लेन होता है जब पैदा होता है छोटा सा, फिर आहिस्ता उसके बाल निकलते हैं फिर पर निकलते हैं, फिर शाहीन का बच्चा होता है तो फिर वो हज़ारों फिट की बुलंदी पर उड़ता है परवास करता है। वो कह रहे हैं कि फिर आप सब लोगों को बाल और पर अल्लाह से मांग रहे हैं आपके लिए कि आप लोगों को इक्विप किया जाए अल्लाह ताला से कि बाल पर दें इसको ताकि ये ऊँची फिर उड़ान करें, एक सोच को लेकर ऊँची उड़ान करें। और फिर आगे कहते हैं कि जी खुदाया आरजू मेरी यही है मेरा नूर बसीरत आम कर दे। नूर बसीरत कहते हैं देखने को, कि जो मैं जहाँ तक देख सक रहा हूँ ना, जो मेरे आँखों में जो नूर है, जो जो बसीरत की कुव्वत मुझे तूने अता की है वो मेरे इन शाहीन बच्चों को भी अता करें। खुदाया आरजू मेरी यही है मेरा नूर बसीरत आम कर दे। और लास्ट में हम सब लोग क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं तो इस दुआ के साथ और इस ख्वाहिश के साथ कि ए वतन तुझ पे अगर जा हो निसार मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इमाम भाई फॉर डिटेल डेवलपमेंट। तो भाई आप लोग तैयार हैं चैटबॉट डेवलपमेंट सीखने के लिए? यस सर। अच्छा आप लोगों की क्लैपिंग से बताएंगी कि ये सेशन आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव था और कितना हेल्पफुल था।